स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हीट है उसका थर्ड चैप्टर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो कुछ भी हमने पढ़ना है और जो पढ़ने वाले हैं, ये सब आपको केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और जेई में ये डबल स्कोर कराता है। इसके कुछ सवाल आपके फिजिक्स में भी आएंगे और ये केमिस्ट्री में भी, जो आप गैस लॉज पढ़ते हैं वहाँ से भी आते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपको केमिस्ट्री में भी स्कोर करने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब आइए, गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोग फिजिक्स में पहले तो कोई भी गैस होता है उसको आइडियल गैस लेते हैं। व्हाट इज आइडियल गैस? उसके लिए हमें कुछ पहले अजम्पशन लेना है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ते हैं कि गैस जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। मोशन वर्ड से आया है काइनेटिक, तो उनके मोशन की वजह से गैस का प्रेशर क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अजम्पशंस पढ़ेंगे। Now, what assumptions? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम वर्ड गैस यूज करेंगे तो गैस बोलते ही दिमाग में आपको ये लाना है कि कोई भी कंटेनर हो, ठीक है, ओपन हो, क्लोज्ड हो, उसमें कभी भी कोई गैस होगा तो गैस विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हो गया कि गैस का मतलब क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ हाउ लार्ज? जैसे एक मोल, दो मोल। अब एक मोल में अप्रॉक्सीमेटली 6×10^23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कभी भी हम लिखा रहेगा कि किसी कंटेनर में गैस है तो हम यही मान के चलेंगे कि उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लार्ज है। अच्छा, दूसरा, एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर होने का मतलब ये है कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स अगर हमने दिखाया इस तरह से, तो सारे मॉलिक्यूल्स का शेप, साइज और बिहेवियर सेम होगा। तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, they are treated as very small hard sphere। मतलब छोटे छोटे, जैसे साइकिल में बियरिंग होती है ना, उस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। वेरी स्मॉल और ये हार्ड स्फेयर की तरह होते हैं। आपस में ये टकराते भी हैं तो इनका शेप और साइज नहीं चेंज होता। साथ में ये भी एज्यूम करना है कि ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम कंटेनर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। व्हेन वी से रैंडम मोशन, इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करता है। जैसे हर मॉलिक्यूल हो सकता है कि ऐसे 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 कहीं भी जा रहा हो, ठीक है, तो रैंडम मोशन में रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इस रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा कि अगर इन मॉलिक्यूल्स का सबका लेकर के एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल की जीरो आएगी। किसी एक मॉलिक्यूल की भी निकालेंगे तो भी जीरो, और अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मिला करके एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो भी जीरो। अब ऐसा क्यों भाई? अगर हम इसे एक्स वाई जेड मान लें तो एक मॉलिक्यूल का अगर देखें तो वो कंटेनर के अंदर ही है, तो किसी भी लॉन्ग टाइम इंटरवल में इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इन ए लॉन्ग टाइम इंटरवल ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल विल बी जीरो। उसी तरह से अगर हम एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स निकाले
तो ये भी क्या होगा, सबकी वेलोसिटी को ऐड करना होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करते हुए वी एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। अब मान लीजिए कि एक की वेलोसिटी प्लस आई में है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल जरूर मिलेगा जिसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी माइनस आई में। कोई प्लस जे में तो कोई माइनस जे में मिलेगा, कोई प्लस के तो कोई माइनस के। तो मिला करके रैंडम मोशन की वजह से ये जो वैल्यू आएगी एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ये भी जीरो होगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, इसके अलावा दीवार से भी कोलाइड करते हैं, एंड बिटवीन एनी टू कोलिजन इनका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि और कोई रीजन है नहीं कि ये कर्व वगैरह में चलेगा। कोलिजन के बाद इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, कोलाइड होंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, फिर पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और दीवार से भी कोलाइड करते हैं। तो जितने भी कोलिजन्स इसमें होंगे दीवार में से या आपस में, सारे कोलिजन जो हैं वो इलास्टिक हैं। ऑल कोलिजन सारे ज्यूम टू बी इलास्टिक। अब इसका रीजन ये है कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी समय के साथ घटती चली जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी घटने का मतलब है कि उनका टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब कोई भी गैस धीरे धीरे अपना टेम्परेचर गिरा के एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे आ जाएगा, जो कि होता नहीं है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, या यू कह ले कि टेम्परेचर, ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता होगा कोलिजन में। अच्छा, जब भी ये कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्स को ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी इसमें जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होगा। अब आता है मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? फ्री पाथ उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन। एक बार मॉलिक्यूल टकराया, फिर जाके दूसरे से टकराया, अब इन दो कोलिजन्स के बीच में जितना दूर वो ट्रेवल किया उसे हम फ्री पाथ कहते हैं। और हर कोलिजन में जो मॉलिक्यूल होगा वो अलग अलग जो डिस्टेंस चलेगा, अगर उनका एवरेज ले लिया जाए तो उस एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है, घटता है। रीज़न है, टेम्परेचर चेंज होने पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। उसके बाद आता है कि न्यूटन्स लॉ जो हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल ओबे न्यूटन्स लॉ। दैट मीन्स इनके ऊपर आप एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं, इनका मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ओबे एन एल एम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और फिर लास्ट में एक पॉइंट ये है कि हम लोग इन गैस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ग्रेविटी मतलब एमजी का इफेक्ट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मान लिया कि बहुत स्मॉल है, इनका मास बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी अब बात क्या है कि अगर mg का इफेक्ट लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि mg की वजह से सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, नेट डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। तो वैसा होता नहीं है, ये पूरे कंटेनर में फ्रीली मूव करते हैं कोलाइड करते हुए, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग इसमें नहीं लेते हैं।
अब इन सारी बातों को हम पहले जब मान लेंगे तब हम कहेंगे कि नाउ दिस गैस इज ए आइडियल गैस, और अब इस आइडियल गैस का हम लोग काइनेटिक एनर्जी मतलब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और गैस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे।